दादा जो आप अभी कौन सा वाद्य हमारा यंत्र है हमारे पहाड़ों का ये बारे में जरूर तुरी इसको बोलते हैं तो इसमें कितने सुर कितने टाइप के तीन सुर होते हैं सर। अच्छा इसके बारे में जरूर बताइए दादा कैसे तीन सुर कौन कौन से हैं इसमें। एक तो सीधा होता एकदम सुर रुख रहेगा, दूसरे बाद इसका फिल्टर होगा, तीसरे बाद डबल तोड़ देगा। जो गाने के हिसाब से जैसे बोल होंगे उस बोल के हिसाब से बोल से लगने वाला था। तो इसमें सांस लेने में काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, हर कोई नहीं बजा सकता। कोई नहीं बजा इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए, काफी अनुभव चाहिए। तो एक अनोखा वाद्य यंत्र हमारे उत्तराखंड की संस्कृति हमारी केदार बाबा की कुड़ी है। एक केदार बाबा की कुड़ी है तो काफी सालों पुरानी है ये। तो इस तरह की संस्कृति हमारे धरोहर को ये लोग संभाले हुए इन कलाकारों का सपोर्ट करें। जब भी शादी ब्याह को शुभ कार्य हो तो जरूर इन्हें इनवाइट किए। बोला आपका एक आपका नाम और आपके ग्रुप का नाम और नंबर भी आप शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुंच जाएगा, वो आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। बबलू आर्या है, ग्राम बजेटी से पिथौरागढ़, और ये जय वरदानी माता सांस्कृतिक समिति से है हमारी टीम, और मेरा नंबर 77558 1144 2 है जिसका कार्ड मैं आपको दे चुका हूँ। नंबर वापस से एक बार धीरे से रिपीट कर दीजिए, लोग आपको कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे। 77558 1144 2 ये सर मेरा नंबर है, सेवा का अवसर पक्का दें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दादर चौपाटी पे एक कलाकार यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे, तो पूरे देश मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों से सभी से निवेदन है कि इन कलाकारों को सपोर्ट कीजिए, ताकि इनकी भी घर गृहस्थी है, घर में इनके भी बच्चे आज देख रहे होंगे कि हमारे पिताजी हमारे भाई हमारे गए हैं गांव मुंबई गए हैं कुछ अच्छा लेके आए, और इनके साथ में इंसाफ हो। ऐसा नहीं कि एक कलाकार है तो इनको दबाया जाए या फिर इनको ये किया जाए, ये अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और हमारा फर्ज है कि इनको अच्छा उसका मोल भाव जो भी है वो देना हमारा फर्ज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग का, आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू।